निगम दुर्ग का चौथा बजट 28 मार्च को महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया। 384 करोड़ के इस बजट में कई प्रकार की योजनाओं की बातें कही गई। लगभग 4 घंटे तक चली बजट सभा में काफी गहमा गहमी का माहौल रहा। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए, वहीं सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा कई गंभीर सवाल भी उठाए गए। शोर शराबे के बीच बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया। बजट में पत्रकारों के लिए भी कई प्रकार के प्रावधान किए गए। बजट के बारे में एशियन न्यूज से खास बातचीत में महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी बात कुछ इस प्रकार से कही। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड एशियन न्यूज। आज दुर्ग नगर निगम का चौथा बजट पेश किया गया, 384 करोड़ करीब का ये बजट था। आज हमारे साथ है दुर्ग महापौर, बताएंगे किस प्रकार से क्या खास है शहर की जनता के लिए। सर बताएंगे किस प्रकार का बजट रहा और क्या है जनता। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे सभापति जी को, हमारे पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों को, हमारे MIC के साथियों को कि बजट सर्वसम्मति से पारित हुआ सुझावों के साथ। तो ये बहुत अच्छी परंपरा नगर निगम दुर्ग में शुरुआत हुई है कि सर्वसम्मति से बजट पास हुआ है। सबको शहर के विकास को लेके चिंता है, ये इस बात को दर्शाता है। और लगभग 384 करोड़ का बजट था और इसमें सभी विभागों के अलग अलग मत के अनुसार, सभी वर्गों के ध्यान में रख के, सभी के हितों को ध्यान में रख के ये बजट बनाया गया। चाहे शहर के नाल जल भराव से बचने के लिए बड़े नालों का निर्माण हो, चाहे तालाबों का सौंदर्यीकरण हो, चाहे बड़ी रोडों का हो, रोड चौड़ीकरण का हो, चाहे रोड वाइडनिंग का हो, और चाहे नल विभाग में पाइपलाइन विस्तारीकरण का कार्य हो, चाहे पाइपलाइन शिफ्टिंग का कार्य हो, चाहे नई पानी टंकी का कार्य हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग का कार्य हो, सभी कार्यों को इसमें संपादित किया गया, इसमें लाया गया और बजट को सर्वसम्मति से आज पारित हुआ। और सबसे बड़ी चीज जो हम लोगों ने जनता के लिए छूट लाई है, हमारे लोगों की अंतिम संस्कार के लिए जो लकड़ी अभी सभी वर्गों को निःशुल्क नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, इसमें 25 लाख की राशि का प्रावधान किया गया है। सभी हमारे नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद एवं पत्रकार साथियों के लिए 10 ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें उनका इलाज 50% छूट के साथ किया जाएगा। 2 ऐसे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, लाइफ केयर और श्री डायग्नोस्टिक सेंटर, जिसमें सभी प्रकार की जांच हमारे अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद और पत्रकार साथियों के लिए 50% छूट के साथ की जाएगी। श्रद्धेय बाबूजी मोतीलाल वोरा जी के नाम से उत्कृष्ट पार्षद और उत्कृष्ट पत्रकार का सम्मान नगर निगम द्वारा हर साल किया जाएगा। कवियों का सम्मान किया जाएगा, लोक कलाकारों का सम्मान किया जाएगा, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों का, छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहारों का बढ़ावा देने का भी कार्य इस बजट में किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार करूंगा कि उनके द्वारा जो योजनाएं लाई गई है शहर के विकास को लेके, वो योजनाएं भी दुर्ग नगर निगम द्वारा अच्छे से संपादित की जा रही है और सभी योजनाओं के साथ साथ शहर के, मतलब जिसको बोलते हैं, चारों तरफ से विकास को ध्यान में रखते हुए इस बजट को प्रस्तुत किया गया। बड़ी बात ये रही कि पहली बार मेरी जानकारी में सर्वसम्मति से बजट पारित हुआ है, और किस प्रकार के सुझाव विपक्ष की तरफ से दिए गए। विपक्ष के सुझावों को भी उसमें शामिल करके, हमने पहले भी इसको लेके मीटिंग बुलाई थी, विपक्ष के सुझावों को मंगाया गया था, उसके बाद भी विपक्ष और निर्दलीय पार्षदों के द्वारा जो सुझाव आए हैं उसको भी इस बजट में लिया जाएगा। और 4 साल, ये चौथा बजट है, हम लोग इस 4 साल में कोई भी कर रोपण दुर्ग शहर की जनता को हमने नहीं दिया है, बल्कि हमने छूट का प्रावधान लाने का प्रयास किया है। ये थे हमारे साथ दुर्ग के महापौर, जिन्होंने लाभ का बजट पेश किया और कई प्रकार के, कई हर वर्ग के लिए कहा जाए कि योजनाएं लाई हैं और कई प्रकार की छूट दी गई है। अब आगे बढ़े देखने वाली बात होगी कितना इन सारी योजनाओं को अमलीजामा बनाया जा सकता है। ग्रैंड एशियन के लिए हमीद खान की रिपोर्ट।